अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मेरे बहन भाइयों? अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक है। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। सो तो आज काम जड़ना सिखा दिता घर का शुरू कड़ी वजह तू किया है, क्योंकि जिस टाइम बारिश आँदी है ना साढ़े घर के काफ़ी ज़्यादा पानी रुक जाता है, कच्चे कमरे का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो इस तू असी डर रहे हैं कि कुछ बर्थी पा दें पानी का निकला सो जी बाहर। तो सलीम चढ़े हुआ उत्ते दीवारा गिरा रहा, तो सुबह नाल उठी के सारे भी रल मिल के पहले छत पट्टीए तो एक कमरा गिरा के ना तो डाल पानी दी कर दिसा बाहर ले। तो यह सारी भी सैटें कर दिसा, क्योंकि असी रैंश रखिए ना मड हाउस से तो पिछू साढ़े घर का नुकसान न हो। काफ़ी ज़्यादा कमरा नीवा वे पानी वाड़ गया तो समान का ही नुकसान काफ़ी ज़्यादा भी ये भी ना गिर जाए। तो हूँ सारे रल मिलते पहले जड़िया इटा लथियां ना उत्तू बना ले तू वो रहें कुंज, उस तू बाद करसा है दीवारा दी। जी मेरे व्यवहार जड़ना असं जड़ना सुबह सुबह नाल भाई सलीम तो मैं ते अबू सारे जने रल के असी पट्टीए छत ये पैन जी और गाडर ते गाडर उत्ते पैन असी रख दिते छप्पर ते टीआर शेड ते ते बाकी मेरे वाल जड़ना कम रहे हैं कार सानू जड़ना बारिश के काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है, क्योंकि इतों असं लंघते सू डर लगता है बे कोठा कि गिर ना जाए। पानी भी असं बाहर डोंदे अस इस कोठे के टप के इंशाला जड़ा प्यारे विवर दुआ न कोठा पे डेंदे तो जड़ा हाले तो वेहना है कि यदि मिट्टी इतने पूरी आँदी ना खतान के पता है कि काफ़ी ज़्यादा नीम है, जो फिर ना पूरी आई तो फिर कि रेहड़ी मांग के दो बाई जड़ा रल के अस दो तीन दिन मिट्टी है जड़ा फुल कर दी सर तो और पानी के काफ़ी जड़ा नुकसान होंगे। फिर साढ़ा कोठा भी डांदा है तो फिर पर वाशरूम भी नुकसान आई तो इस वजह तो असी कोठा रहे हैं दा। अगे तो चलो असं जड़ा इतने होना तो उंज इस टाइम उत्थे रहिश कर दी फिर सानू पिछू खतरा है इट्टा रहे हैं कुंज, बाकी इट्टा दे ही सानू जड़ा काफ़ी ज़्यादा इट्टा ही निकल आई हैं तो इन्हों कुंज के रख देने भी ये अगर ही काम हम सेंट। बाकी प्यारे विवर दुआ करनी और दूसरा दुआ करने वे असी अज दिहाड़ी कोठा डाल ली और दो तीन दिन के बेच बेच सैटिंग कर लीए चलो पानी का निकलास जड़ना बाहर हो जासी। तो बाकी मेरे विवर तुहाडे प्यारे विवर दुआ नाल मेहनत कर रहे हैं, जिस टाइम अल्लाह दिता उस टाइम असी अपने कोठे भी नवे पा ली सें और थोड़ा जिहा बरा भी होर कर ली सें। तो बाकी लाजमी तुसी दुआ करनी। अम्मी जी मैं कटी अपना इटा तो दरवाजा नपना बे दरवाजा तो नुकसान न हो तो और त्रुट ना जाए इस वजह हाँ जी जरूरत है ना, क्योंकि बाहर वाला जो दरवाजा है वह सही नहीं है ये कुछ सही है। हाँ जी ये ला दिसा है बाहर वाली दीवार नो बाहर वाली दीवार तो नहीं गिरावनी, क्योंकि जिस टाइम अल्लाह दिता ना तो अपनी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक देसी तो प्यारे विवरण की दुआ न असी भी नवी जगह पा ली सें। हाँ जी तो हाल ही जड़ना ये दरवाजा ला दें बहरों इट्टा काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पक्की ना इस वजह से इट्टा लिखल नहीं रही। बाकी दीवारा जड़ा तुम्हें पता कि काफ़ी ज्यादा औखियां फटी दी पुरानिया दीवारा खलियां तुली साइड बाई सलीम कई नाल पड़ रहा है कई नाल ही औखियां फटी दी इस वजह तो हूँ हौली हौली लगे हुए हैं इंशाल्लाह शाम तोड़ी पट जिता है पहले दरवाजा काट लिए ना। हाँ जी दरवाजा बाद कर सें क्योंकि वाली दीवार डस क्योंकि ये जड़े ना वो अड़े होने ना तो पारो अंदर दरसाते
नाल ही भाई सलीम आ चुका है थले। मैं भाई जी पहले घर लिए दरवाजा दरवाजे का नुकसान हो वे त्रोट ना जाए, इस वजह तो भाई सलीम आखिया मैं पहले मिट्टी कर ली, उस तो बाद जिन्ना दरवाजा उत्ता चार स तीन जने रल गए। मिट्टी जड़ना काफी ज्यादा डाय डाय के ते दरवाजा गया है पूरी। हाँ जी, ते मिट्टी लेने हटा उस तो बाद चालीसा दरवाजा चाहो वैसे हल्दा गत्ती है उंजी तो त्रोट ना जावे। नहीं कटनी नहीं मिट्टी कटनी पम से ना। बाद फटी नहीं गया चाहो ख्याल ना चवया फटी गया ठीक है रख रख थराक जावे रखना नहीं ना उदे दरवाजा पटी के लग गया जी शेड मेरी बार जेना दरवाजा गया पटी हूं जेना हौली हौली इटा जी इटा निकल दी इटा तो बस थोड़ी जी खली बाकी दीवारा सारिया कच्चिया। हाँ जी तो ये पाया जी पटेंदे देखा भाई सलीम लाग भी नहीं जेने कई किरे में कई अंदर ना ही। हाँ जी ये देखो नहीं कई भाई ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਆਰੀਆਂ ਦਿਆਰੀਆਂ ਚਿੰਮਾ ਚਿੰਮਾ ਪਟੀ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਧੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਤੂ ਲੈ ਪਟਣਾ ਪੰਮ ਸੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਲੋ मेरे बार ले भी काफी मोटा है जिमें जिमें लिपाई होती रही है ना दीवारा काफी ज्यादा पक्या बन गई। हाँ जी भाई सलीम खुदरी गई कद हेठू कद जड़ना हेठू हेठली साइड लू मोड़ कर दिता खाली ते हुण ला रहे हैं दिक्का भी कद अंदर अंदर आले पासे डाह जावे आ जाओ बग्गी। हाँ जी लाओ बिस्मिल्लाह लगी जावे कि ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਦ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਹਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖਤੋਰਨੀ ਪੰਸੀ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦ ਦਾਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਡਾਹ ਪਵਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਦ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਦ ਦੇਠਾ ਲੱਗੀ ਹਮਸੀ ਚੌਕੀ ਰਾ ਗਈ ਸਲੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਬਸ ਪਟੇਂਦੇ ਪਏ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਨੇ ਆ ਤੋ ਦੇਵਨੇ ਨਾਲ ਡਾ ਚਲ
ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਮੋਢ ਖਾਲੀ ਲਈ ਪਾਟ ਲੈਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਂ ਪੰਸੀ ਬੱਗੀ ਦੁਆ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਦੇ ਪੈ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਪੈ ਹੇਠ ਵੈਸੇ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈ काफी देर ना जोर ही लाया धिक्के ही लाए नहीं का डी तो हूँ असंध कर रहे हैं रल मेल तो मोड़ खा ली तो कोई कुआड़ी ना लगो है कोई टोए देवने ना तो कई त कई नाल तो इतों हेठ खाली नहीं आती आई हेठ हमें खाली आती जाती मैं हौली हौली खाली आती जा फिर दीवार तुम साइड से हो जाओ ना हाँ जी मैं साइड से बैठा परली साइड तो मेरे भी बार खाली होनी इधली साइड तू खाली करे तो फिर जो दीवार इधली साइड टूटते ना पवे परली साइड तू खाली कर लो फिर कहीं ना मिट्टी कर ली सर हेठ मिट्टी गिली आई ना ते जल्दी जल्दी हेठ मिट्टी कटाई होती जाती हाँ जी अम्मी जी हूँ आ जाओ हूँ जाना दिक्का लेने अल्लाह के हुक्म नाल हूँ शायद ढाए पवे दिलाओ टिक्का बिस्मिल्लाह हूँ तोन के दो लाउना मेरे वीवर असि आखे के हूँ जाना चंगी तरह जोर लिसा क्योंकि अगे हूँ पहले मोड़ खाली नहीं ना किते आन ते हूँ जाना चंगी रीत मोड़ खाली किते हाँ जी ते दीवार जड़ी ना हेठ लगी आई है हूँ ते बाकी जाना ये वाली दीवार कर लो अई इको जई एन चंगी तरह वाल लो शेड दी हाले तो ये शेड दे खलारनी है ना दीवार ते पहले भी गिरावनी है हाँ जी पहले गिरा लेने ते ओ इन वाजे ताई खलेरा आंडे ने और उदली गिरा लेने दरवाजा जेडी साइड तू दरवाजा लगो है उधर साइड दरवाजा ओ वाला लावना ते इ ठिको जे ना कार छड़ा हाँ जी पहले ओ कार लई ना ओ वाट लिए फेर करसा जी मेरे वीवर जेना उदली कार दस ले ये डा भाई सलेमर जेना इको जी कार दे ते ए लेने मैं इले साइड तू खतोर रे हाले ताई ए भी कार दसी डावनी ये तुम चैक करो मेरे बार ये जेना जल्दी खाली होती जाती है जिस टाइम खाली हो गई आपे डाए फमसी दिक्के लावन की लोड़ ही का हाँ जी दीवारा जड़ना जड़ी असं गिरावनिया ने दियां गिरा तो बग्गी तो सलीम जड़ना वह कोटरन चिम्मा तो पहला दरवाजा जरा लाए हुआ सोलंगन उ पाट लिया भी अंदर जड़ना चंगी रीत बर्थ कर लेने उस तो बाद दरवाजा लिसा ते मैं जड़ना कौन देनी हाँ बांस वगैरह जी मेरे वर जड़ना अस सुबह नाल तो लगे हुए हैं तो गए हैं जी थक ये दीवारी डाई ये दीवारी डाई उत्तू छत भी पट्टी वो जो कख कान वो भी कुंजन वो रख दिते जी छत तो टी आर गार्डन रख दिते जे शेड दे हेठ कोई उत्ते तो कोई हेठ तो बाकी ये वाली दीवारी अस चंगी तरह कुट फाट के इको जी कर लेने तो बाकी जड़ना सह काफ़ी ज़्यादा चढ़े खा सुबह सांझ रहे शुरू होया से तो हूँ जड़ना बारह एक का टाइम हो चुका है तो इंशाल्लाह जड़ा इन कुंडे कुटेंदे फटेने तो चंगी तरह जड़ना रोड़े खत्म करेने तो फिर वेने भी मिट्टी पूरी आँदी या नहीं ये मेरे वीवर जड़ना इधली साइड काफ़ी ज्यादा मिट्टी पावन रही कोट लेने फाट लेने चंगी तरह
वो मिट्टी इदा ही कर लेने तो कुछ जाना उत्थे ही कुट फाट के कुछ ही करें बाकी और आ गया दरवाजा दरवाजे का भी जाना असी इस्टीमेट लेने जिस टाइम भरा हो गया ना उस टाइम दरवाजा भी ला दिसा आ पहुंचे छां ते किकर दी छां हाली तो है पई काफी चिर हो गया काम करें दिया हां जी करे सा ते नहीं बढ़ सी क्योंकि ना करिए तो मुड़ इंजे ही प्यारा आना हां जी इन मुकामले ते मुकरे मेरे भी वर नहीं तो मुड़ फिर बैठे हैं जी तो फिर काम तो होना नहीं ते इस व्लॉग दा करें ते पई थाई एंड ते बाकी अल्लाह दे सी सानू ते इंशाल्लाह साडे भी असी भी नवे मकान तैयार करसा मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक मेहनत दा फल ले सी हां जी ते मकान ही नवे पिसा क्योंकि पहले से आख्या भी ये गिरा के भर्ती कर देने हां जी बंदा मड उस ते जावे ना उथे रश कर ले ते पिछू साडे कमरे दा नुकसान ना होवे हां जी ते बाकी जेना इंशाल्लाह साडे इथे बाकी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह करे से साडे जेना इथे पक्के कोठे होस ते बाकी इस व्लॉग का करेंगे पे थाई एंड व्लॉग तुम चंगा लगो सुबह सा नवे व्लॉग मेरे चैनल सपोर्ट की करो बग्गी की विलेज लाइफ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो सुबह नेक्स्ट डिविल सा अल्लाह हाफिज़।